वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे ज्योग्राफी के 10 सवाल और उसका जवाब भी देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 55%। सवाल नंबर 2, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। सवाल को सुनिए फिर से, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। आपको ऑप्शन से पता चलेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। सवाल नंबर 3, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तुर्की। सवाल नंबर 4, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेरू। सवाल नंबर 5, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, इसका आंसर तो पहले से ही दिया गया था, तो आप सीख लीजिए कि एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ओके, सवाल नंबर 6, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जापान। सवाल नंबर, दोस्तों आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता है, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बनाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सवाल नंबर 7, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइसोब्रांट। सवाल नंबर 8, एक सिंह वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। गैंडा नहीं, गैंडा होगा, ठीक है, गैंडा। फिर से सवाल को सुन लीजिए, एक सिंह वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल एवं असम। सवाल नंबर 9, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑफशोर। सवाल नंबर 10, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉपरनिकस। सवाल क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, यदि आप जवाब जानते हैं तो लिखेंगे क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर के जो ऑप्शन सही लगे ए बी सी डी लिख करके आप कमेंट करेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, इनमें कितने जने कंफ्यूज होंगे? तो आपका कंफ्यूजन कमेंट कीजिए, दूर हो जाएगा जो भी आपको पता है 8 9 10 11 12,
जो भी इसमें का जो भी, तो कमेंट कीजिए। और यदि आपको और भी वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। कुछ सीखने के लिए मिला तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए जीरो से जीएस तक।